तो अब बात करते हैं रैम कैपेसिटी को मिक्स करना। तो अगर आपके पास 8GB का रैम है तो क्या आप उसको 4GB ऐड करके 12GB रैम यूज़ कर सकते हो? तो आप ये चीज़ कर तो सकते हो, बट अगर कैपेसिटी अलग अलग है तो ड्यूअल चैनल काम नहीं करेगा। तो गाइस ये ड्यूअल चैनल क्या होता है, तो इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप कुछ लिख रहे हो अपने एक हाथ से, तो उस चीज़ को लिखने में आपको जितना टाइम लगेगा उसका आधा टाइम लगेगा 3 इडियट्स के वायरस को, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिखता है। सपोज रैम में डेटा जाने का एक दरवाजा है, तो एक टाइम पे उसमें लिमिटेड ही डेटा जा सकता है। तो अगर मैं उसी रैम में दो दरवाजे बना दूं तो एक टाइम पे डबल डेटा जा सकता है उस रैम से। उससे ओवरऑल टास्क जल्दी परफॉर्म होगा और रैम ऑप्टिमाइज तरीके से यूज होगा। इसलिए अगर आप 16GB रैम अपने पीसी में डालना चाहते हो तो 8GB के दो स्टिक लेना एक बेटर चॉइस होती है, यही चीज रिकमेंडेड होता है। और भी इंटरेस्टिंग टेक कंटेंट के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब जरूर करें।